अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो आज हम लोगों का लाहौर में फर्स्ट डे है और हम लोग एक्सप्लोर करने वाले हैं लाहौर की कुछ बहुत ही ज़्यादा मशहूर जगहें, जैसे कि बादशाही मॉल, मीनारे पाकिस्तान, इकबाल पार्क वगैरह वगैरह। लेकिन उससे पहले हम आपको ये बताते चलें कि ये हमारी है पाकिस्तान ट्रैवल सीरीज, और अगर आप हमें नहीं जानते हैं तो मैं हूँ सना और मेरे हस्बैंड अशर और हमारे बच्चे, हम लोग ऑस्ट्रेलिया से आए पाकिस्तान आफ्टर 6 ईयर्स, जिसके बाद हमने कराची में बहुत ज़बरदस्त वेडिंग अटेंड की एंड देन वी केम टू लाहौर फॉर द फर्स्ट टाइम एवर। तो प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल, लाइक कर दे वीडियो को और शेयर करें। और आज की वीडियो हम शुरू करते हैं बहुत सारी एक्साइटमेंट के साथ। सो गाइस, ये है हमारी लाहौर में गाड़ी। लाहौर के पूरे स्टे में हमारी यही गाड़ी रहेगी और ये हम लोगों ने पहले ही हायर कर ली थी, अशर ने ऑर्गेनाइज कर ली थी, आसान हो गया था काम। सो थैंक्स टू मेरे यूनिलीवर वाले दोस्त मुराद भाई कि उन्होंने ये काम करवा दिया, और शफीक जो लाहौर में होते हैं यहाँ पे यूनिलीवर में। बट रिलायबल सर्विस का होना आई थिंक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, स्पेशली जब आप इंटरसिटी ट्रैवल कर रहे हैं। एंड दिस इज आवर फर्स्ट एवर ट्रिप टू लाहौर। हमने सोचा कि हमें होटल ही बुक करवाना चाहिए एंड वी हैव बुक्ड इट फ्रॉम booking.com। अब हम जा रहे हैं लाहौर के मशहूर तरीन इलाके गुलबर्ग में, जहाँ है हमारा होटल गुलबर्ग कॉन्टिनेंटल होटल। एंड दिस इज क्वाइट अ गुड होटल, रिसेप्शन स्टाफ भी काफी हेल्पफुल है एंड अंदर से हमारा रूम भी काफी बड़े साइज का था। प्लस इसमें फैसिलिटीज है सच एज सोफा, टीवी शीवी वगैरह है, और बाकी फ्री ब्रेकफास्ट भी दिया गया था। और ये हमारी गाड़ी खड़ी हुई है सामने होंडा सिटी। व्यू हमारा कोई बहुत ज्यादा क्लासी नहीं है बट रूम एरिया बहुत क्लासी। तो लाहौर के बारे में बहुत मशहूर हम लोगों ने सुना था वॉलेट सिटी, जो कि काफ़ी ज़्यादा कदीम है, बहुत कदीम इमारतें हैं और ऑब्वियसली पाकिस्तान की बहुत हिस्ट्री छुपी हुई है। तो हमने आज वही एक्सप्लोर करने का इरादा किया, पर्टिकुलरली वी विल गो टू बादशाही मॉस्क। लेकिन उससे पहले हम जा रहे हैं हवेली रेस्टोरेंट खाने नहीं, लेकिन हम लोग कुछ और ज़बरदस्त से व्यूज़ देखने जा रहे हैं। तकरीबन शाम के 4:30 बज रहे हैं, हम लोग हवेली रेस्टोरेंट के 3rd फ्लोर पे आए हुए हैं। इस तरह का व्यूज मिलता है अगर आप 3rd फ्लोर पे आके डिनर करते हो या फिर लंच करते हो। इस टाइम पे आने का फायदा ये है कि आप लोगों को सनसेट भी मिल सकता है, जब तक मगरिब होगी तब तक आप ब्यूटीफुल नज़ारे इंजॉय कर सकते हो। सारा का सारा ब्यूटीफुल बैकग्राउंड होगा, पिक्चर्स लो, फैमिली के साथ मजे करो। एम्बियंस इस रेस्टोरेंट का बहुत ही अच्छा है और अंदर आने के बाद आपको बहुत लाहौर वाली वाइब आएगी। देखो कितना खूबसूरत लग रहा है यार, बहुत नज़ारा। यहाँ पे बिल्कुल एंट्रेंस पे खड़े हुए हैं, जब आप लोग फर्स्ट यहाँ पे आओगे आप लोग थोड़ा सा आगे की तरफ जाना, यहाँ पे हम अच्छी सी वीडियोस लेंगे, पिक्चर्स लेंगे। ये यहाँ पे पार्क है जो कि ऑलरेडी बंद है। As you can see के बहुत ज़्यादा रश नहीं हो रहा बैकग्राउंड में, क्योंकि बहुत कम लोग थे बिकॉज हम सुबह सुबह पहुँच गए थे एंड इट्स द बेस्ट टाइम, क्योंकि दोपहर होते होते बादशाही मॉस्क और उसके आस पास के इलाकों में काफ़ी ज़्यादा रश होना शुरू हो जाता है। और ये सामने इधर जो है वो आप चेक कर सकते हो, यहाँ पे किला भी है और यहाँ पे सना भी है। तो सना को किले के अंदर चुनवाने का आई थिंक अच्छा मौका है, यहीं से जान छुड़ाने का। माफ करें, अनारकली बन जाऊंगी तो मैं जिंदगी भर अशर का नाम पुकारती रहूंगी और दीवारों के पीछे। हर चीज कितनी मैसिव बनी हुई है, बड़ी बड़ी हर चीज इतनी बड़ी, बादशाहों के दौर की बनी है ना ये चीजें, बादशाहों की दौर की, मतलब इतना मैसिव लग रहा है, लैंडस्केप इतना बड़ा है, एक अलग सा पीस है यहाँ। मतलब अगर आप लाहौर आए और आप बादशाही मस्जिद ना आए तो लिटरली आप कहीं नहीं गए। सो गाइज, हम लोग अभी जा रहे हैं सामने उस किले की तरफ। अब हम आपको स्ट्रीट पे साथ साथ ले चलते हैं अपने। यहाँ पे अलग अलग देखें ठेले वाले बैठे हुए हैं, अगर आपको कुछ रिफ्रेशमेंट एंड स्नैक्स चाहिए हैं तो। मेहंदी, अच्छा सही, मेहंदी है भैया। ये जाने सैफी हमारे, यहाँ पे भी बहुत सारा रश हो गया है। यहाँ पे ये भी है, आइसक्रीम वाइसक्रीम खानी हो। इसके अलावा यहाँ देखो इस स्ट्रीट पे जो है वो और भी चीज़ें। ये क्या है भाई, काले चने? काले चने कितने के? 50 का एक ग्लास है। अच्छा, आइसक्रीम पानी जूस। ओ ईगल्स, और हम लोग आ गए हैं फाइनली इस जगह पे। ये है एंट्रेंस यहाँ से मस्जिद की। ये तो जाना पड़ेगा, जूते उतार के आप उसमें रख लेते हैं। हाँ। बैग में रख लेते हैं आई थिंक। तो
अब हम लोग एंटर होने जा रहे हैं, थोड़ा सा बेहतर हुआ मैं रश वश। एक्चुअली जोहर की नमाज के बाद ज़्यादा हो जाता होगा शायद, अब जोहर होने वाली होगी ना इसलिए भी। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं आगे मस्जिद का फ्रंट है ये, और बहुत ही मतलब खूबसूरत जगह है ये और साफ सुथरी भी है काफी। हाँ मतलब कोई रैपर्स वगैरह वो नहीं है, जैसे नीचे चीजें पड़ी हुई होती हैं। मैसिव इतना है, इतना बड़ा है, पूरा एरिया इतना बड़ा है माशाल्लाह। वाकई यहाँ पे 1,00,000 नमाजी आते हैं, कहा जाता है स्पेशली ईद वगैरह के उसमें तो बहुत ज्यादा। और ये सब चीजें मुगलों के दौर की बनी हुई है, पाकिस्तान बनने से बहुत पहले की बनी हुई है। उसके बाद पाकिस्तान बनने के बाद चीजें काफी स्लो हो गई, स्लो पेस पे हो गई, मगर ये बेहतर है कि इसकी थोड़ी बहुत आई थिंक मेंटेनेंस वगैरह होती रहती होगी लग रहा है, मगर ये कि और थोड़ी बहुत मेंटेनेंस अगर इसकी हो जाए और इसको जो है वो अच्छा टूरिस्ट स्पॉट बना दिया जाए, मतलब इसकी मार्केटिंग वगैरह की जाए पूरी दुनिया के अंदर, तो आई थिंक और भी ज्यादा जो है वो पाकिस्तान का टूरिज्म जो है वो बूस्ट हो सकता है इसकी वजह से। बादशाही मस्जिद का नाम तो हमने बहुत सुना था, लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसको देखने की सआदत भी हासिल कर ली। बहुत ही खूबसूरत इमारत, सिर्फ यही नहीं बल्कि इतनी पुरानी 300 साल पुरानी मुग़ल दौर के ज़माने की ये मस्जिद बहुत ही हसीन तरीन लैंडस्केप पे बनी हुई है। प्लस लाहौर की पहचान है, लोग यहाँ पे दूर दूर दुनिया से आते हैं इस मस्जिद को देखने, यहाँ की वाइब लेने, यहाँ के आर्किटेक्चर को देखने। यहाँ की इंतज़ामिया ने इस मस्जिद को मेंटेन भी बहुत अच्छे से किया हुआ है, ना सिर्फ बाहर से बल्कि अंदर से भी, जिसको देख के हमें वाकई बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे अंदर आके नमाज पढ़ने की वाकई में अलग ही वाइब होती होगी। बहुत लकी हैं लाहौरी जो यहाँ पे आके नमाज पढ़ते होंगे हर जुम्मे को या ईद पे। आए अब आपको इस खूबसूरत मस्जिद का टूर अंदर से करवाते हैं। तो जब हम लोग अंदर एंटर होते हैं तो एक बहुत ही खूबसूरत सफ़ेद ज़मीन हमें नज़र आती है, जहाँ पे नमाजी हर रोज़ नमाज़ पढ़ते हैं। कहा जाता है कि तकरीबन 56,000 से भी ज़्यादा लोग इस पूरी मस्जिद में समा सकते हैं एक टाइम पे नमाज़ पढ़ने के लिए। उसके बाद आप थोड़ा अंदर की तरफ जाएं तो राइट साइड पे, लेफ्ट साइड पे हमें ये इस तरह के मॉन्यूमेंट्स मिलते हैं, बड़ी प्यारी सी मेहराबें बनी हुई होती हैं। और इनमें बहुत एक कॉमन चीज़ है जो ये है कि फूलों का डिज़ाइन बना हुआ होता है, और ये फ्लोरल डिज़ाइन बहुत ही अट्रैक्टिव है। इसके अलावा हमें ये भी देखने को मिलते हैं कि बहुत सारे फानूस जैसे लगे हुए ऊपर, और ये वाकई एडअप करते हैं इसकी खूबसूरती में। इस मस्जिद की खूबसूरती और सुकून में एक ऐसा जादू था कि हमारे जाने का वापस दिल नहीं चाह रहा था, लेकिन हमें निकलना था, सफ़र आगे बढ़ाना था। तो अब हम लोग जा रहे हैं अपनी अगली मंजिल की तरफ। तो अब हम लोग जा रहे हैं मीनार पाकिस्तान की तरफ। वाली कितने की है? ग्रीन वाली, हरी वाली है? ये 250। ये वाली 200। तो यहाँ पे हम लोगों ने टॉय ले लिया है सैफ के लिए, कुछ खाए ना खाए मगर टॉय जरूर चाहिए इनको। यहाँ पे अलग अलग किस्म की चीज़ें मिल रही हैं खाने पीने को, ज्वेलरी मार्केट है पूरी पूरी, खुद से भी मिल रहा है और क्या क्या है भाई, घर की सजावट की चीज़ें भी हैं। अयान हमें फॉलो करते रहना बेटा। क्या लिखा हुआ है? चावल के दाने पर खूबसूरत नाम लिखवाए। अरे वाह, सिर्फ 2 मिनट में वाह, हो गया। उससे लोगों को सुकून मिलेगा। ये देखो किचन, अरे मेरे नाम की किचन भी है यहाँ पे। ये क्या चीज है? स्मोकिंग बॉल, खा के स्मोक निकलता है। चलो बैठे हैं शराब, बैठे बच्चों।
तो ये है हमारी प्राइवेट गोल्फ कार जो कि ये ड्राइवर ऑब्वियसली राइड कर रहे हैं हमें। ये हमें पूरा एक बाल पार्क घुमाने वाले हैं एंड हमें लेके जाएंगे मीनारे पाकिस्तान तक। इट इज डेफिनेटली वर्थ द राइड। अभी आप लोग देखें और इंजॉय करें। तो दोस्तों आप जैसे कि देख सकते हैं हम लोग इस बाल पार्क के अंदर का टूर कर रहे हैं गोल्फ कार में। बहुत ही मजेदार जबरदस्त राइड लग रही है। ब्लॉगिंग कर रही है और बता रही है कि बाल पार्क का टूर करो और यहाँ मीनारे पाकिस्तान भी है। तो हमने जो है वो 800 रुपये बोल रहे थे मगर हमने अपनी जो है वो प्राइवेट रेंटा कार मतलब गोल्फ कार जो है वो गोल्फ कार कह लो तो वो हमने बुक करा ली है 500 रुपीज़ में। वैसे जो है वो सवारी के साथ बोल रहे थे 80 रुपये लगेंगे तो ऑलमोस्ट 350-400 रुपये लग जाते हैं। हमने 100-200 रुपये दे के अच्छा एक्सपीरियंस हमेशा चूज़ करते हैं तो ये अच्छा रहता है। आपकी अपनी फैमिली होती है, आप अपने आराम से ब्लॉगिंग भी कर लो, कुछ भी कर लो, किसी को कोई तकलीफ भी नहीं होती। तो दोस्तों राइड बहुत अमेजिंग चल रही है। बीच में हम लोगों को बहुत अलग अलग चीजें देखने को मिल रही हैं और बहुत अच्छा है कि अगर आप लोग ये गोल्फ कार ले लो क्योंकि पार्क इतना बड़ा है। टहलते टहलते बहुत टाइम लगता है, तकरीबन 3.5 किलोमीटर हमें ये घुमा रही है। 10 मिनट का इसमें टाइम लगता है और इस 10 मिनट में आप लिटरली पूरा पार्क एक्सप्लोर कर लोगे। बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है। यहाँ पे लेक्स वगैरह भी आ रही है बीच बीच में। लेक्स नहीं मैं कहूँगी पॉन्ड्स बने हुए छोटे छोटे बहुत ही प्यारे से। डांसिंग फाउंटेन है। अच्छा डांसिंग फाउंटेन और ये चलते कब है डांसिंग फाउंटेन? कब चलते? 6:15 शाम को 6 बजे के बाद। आपके सामने व्हाइट बिल्डिंग देख रहे हैं हम? हाँ जी हाँ जी। ये इंजीनियरिंग का मजार है जिन्होंने पाकिस्तान का कौमी तराना लिखा। अच्छा सही। एंड ये आप लोग बिल्कुल प्राइवेटली ले लो, कोई मसला नहीं। अगर आप लोगों को पब्लिक के साथ बैठना है और लोग भी आपके साथ होंगे तो 80 रुपए पर हेड होगा। और नहीं तो फिर अगर खाली फैमिली एक बैठ रही है तो फिर आप लोग 800 रुपए में कर सकते हो। ये मजा आ रहा है। बाल पार्क बहुत बड़ा है यार। बहुत बड़ा और अच्छा है, साफ सुथरा लग रहा है मुझे। पाकिस्तान में ऑलरेडी हर चीज़ की जुआ चलती है। इसमें बोला था कि हमें जो है वो फ्री मतलब और कोई नहीं होगा मगर चलो ठीक है कि चलो हमारा ऑलमोस्ट कवर खत्म हो ही गया। हाँ हो गया था तो उसने एक नई सवारी पकड़ ली। हाँ आ ही गए तो नॉट टू बैड बट फिर भी तो दोस्तों हम लोग अभी यहाँ पे कैंटीन में आए हुए जरा सा कुछ खा पी लें, बहुत भूख लग रही है। कैफे 1947 इसका नाम है और ये इन लोगों का प्राइस चार्ट है और हम लोग बस अब खाएंगे शामी कबाब का बर्गर। मेरा बहुत मन कर रहा है खाने का, मैंने मंगवाया है। कैफे शैफे अलग अलग किस्म के बने हुए हैं यहाँ पे और भी कैफे बने हुए हैं। ये शामी कबाब का बर्गर है ना, तुम्हें खाना है ये? ले खा के देखो मजे का लग रहा है मुझे। फ्रेंच फ्राइज हॉट नहीं है, कोल्ड है, उसको फूंक मारो ठीक हो जाएंगे। आओ चिकन टिक्का ट्राई करते हैं, कैसी है चाट? ओके ओके चलो यार कुछ स्नैक्स खाते हैं। ये यार चिकन टिक्का रोल सीधा खाओ, उल्टा खा रहे हो तुम, उल्टा खा रहे हो तुम। कैसा है तुमने खा लिया रोल? रोल भी ठीक है, मायो रोल है। इसके अंदर लेटस है, बहुत अच्छी हर चीज में लेटस है, हर चीज में उन्होंने सलाद के पत्ते बहुत सारे डाले हुए हैं। मुझे दिस इज लाइक अच्छा है तो मुझे शौक है ना। तो दोस्तों अब हम आप लोगों को लेकर आ गए हैं मीनारे पाकिस्तान में, एक बाल पार्क में जो है। और मीनारे पाकिस्तान को दायरे किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है मगर हम जो है वो बस यहाँ पे आए हैं पाकिस्तान की हिस्ट्री देखने। एक तो ये इटसेल्फ बहुत खूबसूरत है मगर इससे बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं जो हमने पढ़ा। पाकिस्तान की बुनियादें रखी गई यहाँ पे। तो अगर आप लोग मेरी तरह जो है वो मुतल्लाए पाकिस्तान के स्टूडेंट रहे होंगे तो आप लोगों ने ये तमाम तारीख वैसे पढ़ ली होगी पाकिस्तान के बारे में। ये हमेशा से ही ऐसी जगह रही है वाकई में कि पाकिस्तान की बुनियाद यहीं पे रखी गई थी 1947 में। और इसलिए हमारी बहुत ख्वाहिश थी कि जो यहाँ की हमारी हिस्ट्री है पाकिस्तान के बनने के पहले की, जो यहाँ पे बसी हुई है लाहौर में पंजाब में, ये हम जरूर आके एक्सप्लोर करें, आप लोगों को भी दिखाएं जो जो हमें बाहर से देख रहे हैं। जब इस ट्रिप पे निकले पाकिस्तान टूर पे निकले हुए तो हम लोग जो है वो कोई बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स, होटल्स या बड़े बड़े सिनेमाज या मॉल्स
इस तरह की चीज़ें एक्सप्लोर नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम लोग बहुत नॉर्मल चीज़ें कर रहे हैं जो एक आम नॉर्मल पाकिस्तानी आप जैसे शहरी कर सकता है या फिर आम फॉरनर कर सकता है, किसी भी मुल्क से आया हुआ जिसके पास कम बजट हो और उसको इस तरह की चीज़ें एक्सप्लोर करनी हो, तो उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे यहाँ हम लोग आ गए, फ्री है, बादशाही मॉस चले जाएँ फ्री है, शाही किले चले जाएँ फ्री है, और बल्कि ये वैसे तो एंट्री यहाँ पे हर तरह से फ्री है, लेकिन अंदर और सर्विसेज हैं, जैसे हमने गोल्फ कार ले ली या फिर यहाँ पे बोटिंग भी हो रही है, तो अगर हम लोग करना चाहो ऑब्वियसली उसकी सर्विस के चार्जेस होंगे, लेकिन आप अगर विजिट करना है ना आपको इटसेल्फ, तो पाकिस्तान की हिस्ट्री को एक्सप्लोर कर सकते हो फ्री में। दिस इज द बेस्ट थिंग अबाउट आवर पाकिस्तान। जी नज़ारा कैसा है? ऑसम, मतलब कोई वर्ड्स ही नहीं है, इतना खूबसूरत लगता है। गाइस अगर आप लोग खुद एक्सप्लोर करोगे, एक्सपीरियंस करोगे ना, तो ही अंदाजा होगा कितना प्यारा है, पूरा लाहौर नजर आता है यहाँ से वहाँ तक, जहाँ तक मद्दे निगाह हो। और वो सामने जो बादशाही मस्जिद है, अभी हम थोड़ी देर पहले होके आए, कांट बिलीव बिल्कुल सामने है हमारे। देखो सेल्फी लेने का भी एक अपना ही मजा होता है, आपको पीछे का सब कुछ नजर आ रहा होता है और आप अपने आप को भी नजर आ रहे होते हैं, इससे बड़ी और दुनिया में कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो है वो आपको किसी की मदद ना लेनी पड़े और आपका सारे काम भी हो जाए और आपको नजारा भी दिख रहा हो एट द सेम टाइम। तो मोबाइल का ये फायदा अच्छा होता है, थैंक्स टू जिसने भी मोबाइल इजाद किया। और ये अब्बा मेन्यू रीड करने में, वाह, पूरे बादशाही मॉस के एकदम सामने टॉप व्यू के साथ लस्सी शस्सी एंजॉय करें, लाहौर की मीठी वन। लस्सी एंजॉय करने का वैसे सही तरीका स्टॉक के साथ नहीं है, वैसे ही डायरेक्ट। मजा आ गया हवेली रेस्टोरेंट की लस्सी पीके। कहते हैं कि अगर लस्सी पी और यहाँ पे बलाई नहीं आई ना, तो शाम की अजान वाकई में यहाँ पाकिस्तान में स्पेशली लाहौर के अंदर बहुत खूबसूरत हो रही है।